आईपीएल 2024 का 68वां मैच इस सीजन का सबसे हाई वोल्टेज मैच साबित हो सकता है, क्योंकि इस लीग की दो सबसे पॉपुलर टीमें आरसीबी और सीएसके प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए आपस में भिड़ेंगी। हालांकि सीएसके के लिए सिर्फ जीत ही उन्हें प्लेऑफ की टिकट दिला देगी, जबकि आरसीबी के लिए मामला थोड़ा अलग है क्योंकि उन्हें नेट रन रेट का भी ध्यान रखना होगा। आइए इस वीडियो में आरसीबी बनाम सीएसके के इस हाई वोल्टेज मुकाबले की पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम के बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच की बात करें तो यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। इस पिच पर एक बार फिर बड़े स्कोर वाले मुकाबले की उम्मीद है। आरसीबी और सीएसके दोनों के पास हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं, जो इस सपाट पिच पर बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते दिखेंगे। हालांकि मुकाबला वही टीम जीतेगी जिसके गेंदबाज इस मुश्किल पिच पर अपना जलवा दिखा सकेंगे। अब अगर सबसे पहले आरसीबी की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो वह एक बार फिर लगभग उसी लाइनअप के साथ मैदान पर उतर सकती है। हालांकि एक बदलाव यह होगा कि ग्लेन मैक्सवेल वापस एक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि विल जैक्स उपलब्ध नहीं है और वह T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए वापस इंग्लैंड लौट चुके हैं। पूरी लाइनअप पर नजर डाले तो आरसीबी के लिए सबसे ऊपर विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज एक बार फिर एक्शन में दिखेंगे। आगे आरसीबी के लिए विकेटकीपर के तौर पर आप एक बार फिर दिनेश कार्तिक को देख सकते हैं। इसके बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर मोहम्मद सिराज और यश दयाल जैसे गेंदबाजों के मजबूत कंधों पर होगी। अब अगर सीएसके की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो उनके लिए एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे और डेरिल मिचेल जैसे बल्लेबाज दिखेंगे। विकेटकीपर की भूमिका में आप एक बार फिर एमएस धोनी को देखेंगे। इसके बाद सीएसके रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर पर एक बार फिर भरोसा जता सकती है। चेन्नई के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाजों पर होगी। चलिए अब जानते हैं इस मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम क्या हो सकती है, यानी आप किन 11 खिलाड़ियों को चुनकर एक बेस्ट फैंटेसी टीम बना सकते हैं। तो आप अपनी फैंटेसी टीम में विकेटकीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक को रख सकते हैं। बल्लेबाज के तौर पर आप विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, रजत पाटीदार, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे को आजमा सकते हैं। सभी खिलाड़ी तेजी से रन बनाने के साथ साथ इनिंग्स को संभालने के लिए भी जाने जाते हैं। आगे ऑलराउंडर के तौर पर आप रविंद्र जडेजा और कैमरून ग्रीन को अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। अंत में आप गेंदबाजी के विकल्प के लिए मोहम्मद सिराज, तुषार देशपांडे और यश दयाल को रख सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए पहले बेस्ट चॉइस क्रमशः शिवम दुबे और फैफ डुप्लेसिस हैं। शिवम दुबे और फैफ के अलावा आप विराट को कप्तान और रविंद्र जडेजा को उप कप्तान भी बना सकते हैं। तो ये थी आरसीबी बनाम सीएसके मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम। ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।